सुनो, मैंने वहां ना 500 के नोटों की गड्डी रखी थी और उस पे ना ब्लैक कलर का रबड़ लगाया था, मिली नहीं रही, कब से देख रहा हूँ। ये लो आपका ब्लैक कलर का रबड़, मरी ना जाना कहीं रबड़ के पीछे। इतनी देर से कहाँ थे? पार्लर गई थी। शक्ल तो वैसे की वैसी ही है। थ्रेडिंग कराने गई थी, प्लास्टिक सर्जरी नहीं। एक बात बताओ, खाना तुम्हें बनाना नहीं आता, घर के कामों में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है और शादी की तुम्हें पड़ी हुई है, मुझसे फालतू की बातें ना किया करो। अच्छा रखो फोन। यार अपनी बहन से इस तरीके से बात ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी बहन से नहीं, अपने भाई से बात कर रही थी। तुम्हें बताऊं, जब ये ऑफिस से घर आएगा तब इसकी बीवी को खाना कौन बना के खिलाएगा? बात तो सही है, वैसे मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूं? करेले की कोफ्ते ही बना दो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा बिरयानी में शक्कर कम डाला करो, पर तुम्हारे तो समझ में आता नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे कायदे से बात किया करो, और ये क्या तुम लगा रखा है, मुझे आप कह के बुलाया करो। शट अप। क्यों मुझे फोन कर करके परेशान कर रहे हो? अब की अगर फोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। क्या हुआ, कौन परेशान कर रहा है? पता नहीं किसको मेरा नंबर मिल गया है, रोज फोन कर करके परेशान कर रहा है। तो ब्लॉक कर दो उसे। ब्लॉक करके भी देख लिया पर फिर वो नए नंबर से कॉल कर देता है। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे एक नया सिम ला दो, मैं अपना नंबर ही बदल दूंगी। ठीक है, लाओ अपना फोन लाओ। ये लो नया सिम डाल दिया है, अब खुश? नहीं। हेलो, कौन? मैं वही जिसको तुम रोज फोन कर करके परेशान करते हो, अब मैंने अपना नंबर ही बदल दिया है, अब परेशान करके दिखाओ। बाबू जी, ये चांद कहाँ होता है? एक वो आसमान में है और एक मेरे सामने। बाबू क्या है, ये चांद कहाँ होता है? चांद वो आसमान में, क्या तुम्हारे अब्बा लालटेन लिए खड़े हैं? क्या है ये, ऊपर वाले ने तुम्हें दो दो आंखें दी हैं, चावलों से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती? ऊपर वाले ने तुम्हें 32 दांत दिए हैं, दो चार पत्थर नहीं चबा सकते?